हेलो एवरीवन, दिस इज मी नेहा एंड यू आर वाचिंग गूगल बॉलीवुड। डायरेक्टर ओम रावत की आने वाली फिल्म आदि पुरुष में भगवान श्री राम का किरदार निभाएंगे बाहुबली प्रभास। साथ ही आपको बता दें कि एसएस राजामौली ने प्रभास को इस रोल के लिए फिट बताया है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की स्थापना के बाद से ही जिस तरह से लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा था, वैसा ही उत्साह इस मूवी में देखने को मिलेगा और इस रोल के लिए उन्होंने प्रभास को फिट बताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रभास ने बाहुबली में भी बहुत अच्छा किरदार निभाया था और अब श्री राम भगवान के किरदार में वो इस मूवी में नजर आने वाले हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये जो मूवी है वो श्री रामचंद्र जी की जीवनी पर आधारित होगी। अब देखना ये है कि मेकर्स को इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखना ये है कि इस मूवी को रामायण से जोड़ा जाता है या अर्थशास्त्र से रिमेक किया जाता है। फिल्म बाहुबली ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। आपको बता दें कि फैंस को फिल्म बाहुबली काफी ज्यादा पसंद आई थी। इसी के साथ राजमौली जिन्होंने उसको डायरेक्ट किया था, उनका नाम देश के बेस्ट डायरेक्टर्स में शुमार हो गया था। आपको बता दें कि प्रभास ने बाहुबली के लिए काफी मेहनत की थी और इस बार भी वो कुछ ऐसा ही करते नजर आ रहे हैं। इसी के साथ जब प्रभास ने बाहुबली साइन की थी तो आपको बता दें कि उन्होंने कोई भी दूसरी मूवी साइन नहीं की थी। साथ ही आपको बता दें कि राजमौली और प्रभास की आपस में काफी अच्छी बॉन्डिंग है। इस पर राजमौली ने भी उनकी आने वाली फिल्म आदि पुरुष के लिए उन्हें फिट कैरेक्टर बताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि वो इस बार श्री राम का किरदार निभाने वाले हैं, जिसके लिए प्रभास काफी मेहनत कर रहे हैं। अब देखना ये है कि प्रभास श्री राम के किरदार को किस तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं। इसी के साथ बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए गूगल बॉलीवुड।